अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मिराम्स किचन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं फंकी न्यूटेला सैंडविच। जैसे कि नाम से जाहिर है कि बहुत ही फन होने वाला है बच्चों के लिए और वो इसे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे हमने न्यूटेला लिया है, तकरीबन 3 टेबलस्पून है, और यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के मैंने क्रीम ली है। अभी मैं माइक्रोवेव करूँगी इसको थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए, उसमें हम क्रीम शामिल करके एक बैटर बना लेंगे। और यहाँ पे हमने 3 तरह के स्प्रिंकल्स लिए हैं। यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट वाले हैं, ये डिफरेंट कलर के हैं, ये देखें, और ये भी इस तरह से हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट चिप भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके बच्चों को अच्छा लगता है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं और उनको किनारों को मैंने कट कर लिया है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको मैंने इस तरह से स्टार शेप में कट कर लिया है सेंटर से। एक हिस्सा से एक कटर मेरे पास है, आपके पास जिस शेप का भी अवेलेबल है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और राउंड शेप में भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो मैंने हमने न्यूटेला लिया है इसको मैं तकरीबन 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लेती हूँ। यहाँ पे हमने न्यूटेला को माइक्रोवेव कर लिया और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना क्रीमी हो गया है। अब मैं इसमें हमारे पास क्रीम वो ऐड करूँगी, थोड़ी सी हाफ हम ऐड कर लेंगे, तो अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ब्रेड पर स्प्रेड करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं, अब मैं इन्हें इस तरह से न्यूटेला जो है स्प्रेड कर दूंगी सारी ब्रेड्स पे 1 by 1, और उनको ज़रूर कवर किया करें। ये देखिए इस तरह से मैं तीनों ब्रेड्स पे लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से हमने लगा दिए हैं तीनों स्लाइसेस पे। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से जो हमने स्प्रिंकल लिए हैं वो डिफरेंट स्प्रिंकल्स जो हैं वो पूरी ब्रेड पर लगा देंगे। सेंटर में आप थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि वो भी नज़र आएंगे तो अच्छे लगेंगे। यहाँ से इस पे लगाएंगे ये वाले, और लास्ट पे हम ये वाले स्प्रिंकल लगाएंगे चॉकलेट वाले। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने इस तरह से काट रखे हुए स्लाइसेस वो इस तरह से लेंगे और ऊपर प्रेस कर देंगे अच्छे से। ये आप देख सकते हैं कि हमारे न्यूटेला सैंडविच किस तरह झटपट से रेडी हो गए हैं। बहुत इजी सी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल है, और बच्चे थोड़ा डिफरेंट वे सिखाएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे वो। और आप इसे पार्टी पे भी रख सकते हैं, किसी भी टी टाइम पे आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको बर वक्त मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। Yummy.